हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी एंड रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक। जब गार्लिक हल्का ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 400 ग्राम कैबेज। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप कैरेट। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप कैप्सिकम। मैंने 2 कलर में ली है, ग्रीन और रेड। अब हम इनको 5 मिनट तक के लिए तेज आंच पे पकाएंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस सब्जियों को जब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें पानी ख़त्म ना हो जाए और ये ड्राई ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप बॉयल्ड चिकन। इन सबको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ताकि सब्जियों में बाइंडिंग आ जाए और थोड़ी ड्राई ड्राई लगे। कोशिश करें जब आप स्प्रिंग रोल बनाएं तो इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, वरना आपके स्प्रिंग रोल फट सकते हैं। अब ये तैयार हो गई हमारी स्प्रिंग रोल की स्टफिंग। चूल्हे को बंद कर देंगे। स्प्रिंग रोल को बनाने से पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 कप स्प्रिंग अनियन। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्प्रिंग रोल्स को बंद करने के लिए हम बनाएंगे एक पेस्ट। 1/2 कप वाटर में ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून मैदा और इसका इस तरह थिक पेस्ट बना लेंगे। अब हम स्प्रिंग रोल बनाने के लिए एक शीट लेंगे। इसमें रखेंगे हम ये स्टफिंग जो हमने बनाई थी। शीट के एक कॉर्नर पे लगाएंगे हम पेस्ट। इसी कॉर्नर से उठा के अब हम इसे रोल करेंगे। अब हम इसके एंड पे भी लगाएंगे पेस्ट ताकि ये खुले ना। ये तैयार हो गया अब हमारा रोल। इसी तरह से मैंने बाकी सारे रोल्स को भी तैयार कर लिया है। अब हम इनको करेंगे डीप फ्राई। हल्की गर्म ऑयल में अब इन सबको हम तल लेंगे। जब तक ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएंगे हम इनको टर्न नहीं करेंगे, वरना ये टूट जाएंगे। अब ये एक साइड से ब्राउन हो गए, हम इनको टर्न कर लेंगे। अब ये दूसरे साइड से भी फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। ये
ये थी मेरी चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।